शुरू हो चुका है सिलीगुड़ी के नजदीक सुकना में खेल का महाकुंभ। जहां जुड़ चुकी है 20 काबिल फुटबॉल टीम्स और मकसद है ट्रॉफी को हासिल करने का। सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा ये एनर्जेटिक और नेल बाइटिंग टूर्नामेंट खेला जा रहा है सुकना हाई स्कूल ग्राउंड में 7 जनवरी 2024 से। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सहायता से SGSA ने खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए किए हैं कई बदलाव। टूर्नामेंट के इनॉगरेशन में शामिल हुए GTA के चीफ एग्जीक्यूटिव अनित थापा और चीफ एडवाइजर अमर लामा, साथ ही भारतीय खेल जगत के बड़े नाम कलिम्पोंग के नादोंग भुटिया और भरत छेत्री। सुकना गोल्ड कप का 17वां एडिशन, जो प्रमोट करता है से नो टू ड्रग्स थीम को और साथ ही प्रोवाइड करता है सीनियर खेल प्रेमियों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक अलग बैठने की सुविधा। आज से हमारा ये नॉर्थ बंगाल का सबसे चर्चित फुटबॉल खेल महाकुंभ भी बोल सकते हैं, जो आज से आरंभ हो रहा है। सुकना गोल्ड कप टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा 28 जनवरी 2024 को और जीतने वाले को मिलेंगे 3 लाख रुपए और रनर अप टीम को मिलेंगी 2 लाख रुपयों की धनराशि। न केवल पश्चिम बंगाल की टीम्स बल्कि इस बार जुड़ेंगी कई टीम्स असम, मेघालय, नेपाल और भूटान से भी। ये सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन पहले महामाया का गोल्ड कप ऑर्गेनाइज करते थे, उसके बाद 2005 में जब ये सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन फिर हम लोगों ने रिवाइव किया, इसका नया कमिटी बनाया, तो उसके बाद सुकना गोल्ड कप बोल के ये टूर्नामेंट चल रहा है 2005 से लगातार। और हमारे जो भी पहले का जो भी फाउंडर मेंबर्स है उन लोगों ने ये मेहनत करके इस सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन का भवन भी बनाया है। दार्जिलिंग में हो, कालिम्पोंग में हो, जितना जगह जगह में ये गोल्ड कप का जो आदमी को फीवर लगता है वो शुरू हो गया है। स्टार्ट करने वाला ही हमारा सुकना गोल्ड कप, ये सुकना गेम्स एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा। तो देर किस बात की, आप भी अगर सिलीगुड़ी के आसपास हैं या स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, इस वीडियो के एंड होते ही तैयार हो जाइए और लुत्फ उठाइए सुकना गोल्ड कप 2024 का।